दोस्तों, इन पापा के परियों के कारनामे एक से बढ़कर एक होते हैं, जिन्हें देखकर कोई भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा। वेल तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको परियों के अजीबोगरीब कारनामे दिखाने जा रहे हैं, जो काफी अलग और हंसा देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मिलिए इस पापा की परी से, देख लो कैसे ये पापा की परी नशा कर रही है। अय है भाई, इनके नशे करने के तरीके को देख के शराबी भी शर्मा जाए। अब जरा इनकी बहन को भी देख लो। आपको लग रहा होगा कि हो सकता है कि ये चिप्स लेने आई हूँ, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। आप खुद ही देख लो कि ये मोहतरमा क्या लेने आई है। अब जरा इन मैडम को देखो, जो एक छलांग में इस पानी को पार करने वाली हैं, लेकिन उससे पहले ही ये मोहतरमा अपना मुंह तोड़वा बैठती हैं। ये मैडम तो पहले चल रही थी और फिर गिर गईं। गिरने के बाद इन्होंने भी सोचा कि कौन उठेगा भाई, चलो सरकते हुए नीचे जाते हैं। दोस्तों, कई बार परियां ओवर एक्टिंग करती हैं और इसी ओवर एक्टिंग के चक्कर में अपनी बेइज्जती भी करवा बैठती हैं। यहाँ ये पापा की परियां स्कूटी चलाते हुए रास्ते पे चली जा रही थीं, तभी इन परियों का इमरजेंसी कंट्रोल खो जाता है और ये पापा की परियां स्कूटी लेके गिर जाती हैं। लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये पापा की परियां अपनी गलती नहीं मानती हैं और अपने पीछे बाइक चलाकर आने वाले लड़के से कहती हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा था क्या भाई? दीदी, गाड़ी टकराई भी नहीं है। अब जरा मिल लीजिए इस मोहतरमा से। ये लड़का इस मोहतरमा को छेड़ने की कोशिश करता है, जिसके बाद इस मोहतरमा को गुस्सा आ जाता है। लगता है कि ये पापा की परी नहीं, माँ की शेरनी है। दोस्तों, जब ये पापा की परियां स्कूटी या बाइक चलाती हैं, तो कहीं भी घुसा देती हैं। दोस्तों, आजकल के लौंडे लड़की को देखते ही स्टंट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही ये भाई साहब भी इस लड़की को देख के स्टंट कर रहे थे, लेकिन ऐसा करना इनके लिए भारी पड़ जाता है। दोस्तों, कुछ पापा की परियां तो प्यार में अंधी होती हैं, उन्हें सामने का खंबा भी नहीं दिखाई देता। तो वहीं कुछ ऐसी परियां होती हैं जो प्यार में लड़कों को ही डुबा देती हैं। पापा की परी एक ऐसी प्राणी है जो स्कूटी को पानी में भी चला सकती हैं। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ पापा की परियां तो ऐसी भी हैं जो स्कूटी को हवा में भी उड़ा सकती हैं। अब जैसे कि इस स्कूटी को ही देख लो भाई, कोई पापा की परी ही होगी जिसने स्कूटी यहाँ पहुँचाई है, वरना स्कूटी में पर तो लगे नहीं है। ये काम एक ही कर सकता है। ये मोहतरमा रील वीडियो बनाने के लिए पैर को सीलिंग पे मारती हैं, लेकिन इनके सैंडल की सोल सीलिंग के अंदर चली जाती है और फिर ये लग जाती हैं उसे निकालने में, जिसके बाद ये अपने बॉयफ्रेंड को भी बुला लेती है। लगता है कि इस भाई साहब को भी अपनी गर्लफ्रेंड की ये हालत देख के मजा आ रहा है, तभी तो वो इसके पैर को निकालने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है, जिसके बाद इस मोहतरमा का कुछ ये हाल हो जाता है। अब तो ये कभी जिंदगी में रील नहीं बनाएंगी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कौन सी जगह है स्कूटी चलाने की। नो 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 नो। कोई इन्हें बता दे कि ये खेत है, रोड नहीं। इन्हें देख के आपको लगता होगा कि मोहतरमा मछली पकड़ रही है, लेकिन आपको बता दे कि दरअसल इनकी स्कूटी यहाँ फंस गई है, उसी को ये निकाल रही है। अरे दीदी, क्यों करती हो ऐसे कांड, जो ऐसे काम करने की नौबत आ जाती है। ये मोहतरमा जब गाड़ी का गेट बंद करती है, तो गेट पेड़ में फंस जाता है। अगर कोई समझदार होगा तो वो गाड़ी को आगे बढ़ाएगा और गेट बंद कर देगा, लेकिन भाई ये तो है पापा की परी, तो ये लग गई पेड़ को ही हिलाने में। भाई अच्छा हुआ कि पेड़ छोटा था, वरना ये तो पेड़ को ही कटवा देती, जैसे कि ये मोहतरमा कर रही है। भाई आजकल तो पापा की परियों की स्कूटी तो फुली ऑटोमेटिक हो गई है। जरा देख लो इन मोहतरमा को, पीछे लगी हुई है बे। ये देखो भाई, जहाँ पर से डिग्गी खोलते हैं वहाँ लगी हुई है चाबी, फिर भी ये स्कूटी कैसे में चला रही है भाई? आपकी चाबी यहाँ लगी हुई है। स्कूटी कैसे में चला रहा है आप? अच्छा।
इन परियों की स्कूटी तो पहले से ही खतरनाक थी, ऊपर से अब इनकी स्कूटी बिना चाबी के चलती है। यही वजह है कि अब इनकी स्कूटी इनके बिना ही लोगों को पेल रही है। तो देखा आपने, अब जरूरी नहीं है कि परी स्कूटी के ऊपर बैठी हो, अब इनकी स्कूटी ही काफी है तुम्हें पेलने के लिए। इन परियों की ऐसी हरकत देख के लोगों ने इनसे स्कूटी छीन ली और कह दिया कि बकरे के ऊपर बैठो। लेकिन स्कूटी तो छोड़ो, इनसे बकरा भी नहीं चल रहा है और वहां भी गिर रही है। इन परियों ने इतना नशा कर लिया है कि इन्हें पता ही नहीं चलता कि एक्सीलेटर कौन सा है और ब्रेक कौन सा है। मोहतरमा टक्कर मारने के बाद कहती है कि गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर लग गया।